आज हम लोग अपने बुक शब्द अभ्यास का पेज नंबर 1 करेंगे। यहाँ आप लोग हिंदी वर्णमाला के कुछ अक्षर देख रहे होंगे, देख रहे हो ना। हमें इन्हें दिए गए खाली स्थानों पे भरना है। तो हम अपनी कॉपी में इसकी शुरुआत बुक में इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। कैसे लिखना है मैं आपको बताती हूँ। जहाँ क लिखा है उसके नीचे आपको क लिखना है, ठीक है। जहाँ ख लिखा है उसके नीचे आपको ख लिखना है। जहाँ ग लिखा है बस उसके नीचे आपको क्या लिखना है, ग लिखना है। उसके नीचे आपको ग लिखना है, आप देख रहे हो। जहाँ घ लिखा है हम लोगों को उसके नीचे घ लिखना है, और अंग के नीचे अंग लिखना है। अब हम लोग क से क्या होता है आप लोग जानते हो बच्चों, क से क्या होता है आज हम बताते। मैंने बताया है ना, अभी यहाँ देखो क्या दिया है, क से केला दिया है। तो हम यहाँ क से क्या होता है, केला। अब ख से क्या दिया है यहाँ पर, ख से खरगोश होता है। यहाँ दिया है ख से खत। ग से क्या होता है गौ से गमला। आप यहाँ देखो गौ से क्या दिया है, गौ से गमला। अब हम घ के ऊपर आएंगे, घ से क्या होता है, घ से घर होता है ना। और यहाँ पर घ से क्या दे रखा है, घ से घड़ा दे रखा है, और घ से घड़ा भी होता है, घ से घर भी होता है। दो है, बहुत सारे चीज होते हैं। और अब हम अंग पे आएंगे, अंग से क्या होता है, अंग से कुछ नहीं, खाली। अब हम अपने हिंदी वर्णमाला बुक में दिए गए जगह पे च छ ज य भरेंगे। च के नीचे हम क्या भरेंगे, च लिखेंगे। छ के नीचे क्या लिखेंगे, छ लिखेंगे। ज के नीचे क्या लिखेंगे, ज लिखेंगे। झस के नीचे क्या लिखेंगे, झ लिखेंगे। और इसके नीचे ञ लिख देंगे। और आपको ये कंप्लीट करना है, डेट आप यहाँ पर ज़रूर लिखेंगे। आज का डेट है 9/5/2020। अब हमें ये पता करना है च से क्या होता है, यहाँ पे क्या दे रखा है, च से चम्मच। छ से छाता। ज से जहाज। झ से झंडा। खाली, कुछ नहीं। अब हम लोग पेज नंबर 2 पर चलेंगे। किस पेज नंबर पे चलेंगे, पेज नंबर 2 पे हमें चित्र को देखना है और दिए गए वर्णमाला हिंदी वर्णमाला के पहले अक्षर को लिखना है। दिए गए हिंदी वर्णमाला के पहले अक्षर को लिखना है, चित्र पहचान कर पहले अक्षर को हमें लिखना है। यहाँ आप देख रहे हैं हमारे हिंदी वर्णमाला
शब्द अभ्यास के पुस्तिका के पेज नंबर 2 में कुछ हिंदी वर्णमाला दे रखे हैं। उनके आगे लिखा है चित्र पहचान कर पहला अक्षर लिखिए। चित्र पहचान कर पहला अक्षर लिखिए। यहाँ पे ये क्या है? गमला। क्या है? गमला। गौसे गमला। गौसे गमला। क्या लिखना है? चित्र पहचान कर पहला अक्षर लिखना है। क्या लिखना है हमें? चित्र। चित्र को देखकर, जो आपके बुक में पिक्चर्स दिए हैं ना, उनको देखना है पहचान कर। पहला अक्षर लिखिए। ओके, तो यहाँ पर चित्र दिया है ना, ये क्या है? ये क्या है? है हमारा गौसे। क्या है? गौसे गमला। क्या होगा? गौसे गमला। तो ये कौन सा अक्षर है? ग। कौन सा अक्षर है? ग। ठीक है, अब ये कौन, क्या है? कौसे कप। कौसे कप। ये है गमला और ये है कौसे कप। हमें यहाँ पे जो वर्णमाला दे रखे हैं ना, उन्हीं से ये पिक्चर्स दे रखे हैं, उन्हीं के पहले अक्षर को यहाँ पहचान कर लिखना है। दूसरी, ये क्या है? घर। घोसे घर। घोसे घर। घोसे घर। खो से खरगोश। ख से खरगोश। ख से खरगोश। ठीक है, अब यहाँ क्या है? ये है चरखा। च से चरखा। अब ये क्या है? ज से जहाज। ज से जहाज। ग से गमला। क से कप। क से, यहाँ पे हमको पहला अक्षर लिखना है। क्या लिखना है? पहला अक्षर। जैसे गमला है तो गमला, जैसे कप है तो कप है ना, क प कप है। कप है, देख रहे हो? तो इसका पहला अक्षर क है। हम वही लाके यहाँ पे क लिख देंगे। समझ में आया ना आपको? जैसे गमला, तो गमला का पहला अक्षर ग है, तो हम वो ग लिख देंगे। घर, 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 घर का पहला अक्षर घ है, तो हम वो अक्षर यहाँ लिख देंगे। खरगोश, खरगोश का पहला अक्षर ख है, तो हम ख लिखेंगे। उसी तरह चरखा का पहला अक्षर च है, तो हम च लिखेंगे। अब ये है झरना। क्या है बच्चों? झरना। झरना आप दिए गए, और वही अक्षर लिखना है जो इस बॉक्स में, इस बॉक्स में जो अक्षर लिखा है उसी से ये पिक्चर्स दिए हुए हैं, ये चित्र दिए हुए हैं, उन्हीं से हमें निकाल के या फिल करना है। ये क्या है? झरना। यहाँ पे जो दिया है, आप देखो, दिया है ना, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे। देख लो बच्चों एक बार और, यहाँ जो दिया है और हम उसको उठा के यहाँ लिख दे रहे हैं। यहाँ ये क्या है? छाता। छाता क्या, यहाँ छाता किस छ दिया है? च छ। और आप ये छाता यूज़ करते हो, बरसात आती है तो यूज़ करते हो ना, तो ये छाता। छा त छ, छ से छाता। तो आपको इस दो, इस में क्या करना था? जो चित्र दे रखा था उसका पहला अक्षर लिखना था। क्या लिखना था? पहला अक्षर लिखना था। पढ़िए और लिखिए। यहाँ हमें च ठ ड ढ न लिखा है। इन, इसको अपने बुक में हमें लिखना है। दिए गए लाइन नीचे, ट के नीचे लाइन दे रखा होगा उसमें हमें लिखना है। फिर ठ के नीचे लाइन दे रखा होगा उसमें हमें लिखना है। ड के नीचे लाइन दे रखा होगा उसमें हमें लिखना है। तो हमें इस तरह इसे लिखना है। अभी आप यहाँ देखिए, हमें यहाँ भी वही काम करना है जो हम लोग पेज नंबर 1 में करे थे।
पढ़िए और लिखिए, पढ़िए और लिखिए। ट ट के नीचे ट, ठ ठ के नीचे ठ, ड ड के नीचे ड, ढ ढ ढ के नीचे ढ, न न के नीचे न। तो हमें यहाँ पे पढ़िए और लिखिए, ट के नीचे हम क्या करेंगे, ट लिख देंगे। ट के नीचे क्या करेंगे, हम ट लिख देंगे, ठीक है। ठ के नीचे क्या लिखेंगे, ठ लिख देंगे। ड के नीचे ड लिख देंगे, ध के नीचे ध लिख देंगे, और न के नीचे न लिख देंगे, ठीक है। और अब हम त थ द ध पे आते हैं। त थ द ध, त के नीचे त लिख देंगे, थ के नीचे थ लिख देंगे, द के नीचे द लिख देंगे, ध के नीचे ध लिख देंगे, और न के नीचे न लिख देंगे। त थ, हमें इस द ध और न। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि हमें हर जगह डेट लिखना है, डेट हमेशा लिखना है। CW 9/5/2020, इट इज़ कंपल्सरी, तब हमें पता चलेगा ना हम किस दिन इस चैप्टर की पढ़ाई करे थे। 9/5/2020, आई हैव टॉट यू फ्रॉम द फर्स्ट डे अबाउट हाउ टू राइट डेट, how to write date, it is compulsory for you to write date, okay. Now complete page number 1, 2, 3 in classwork, okay. Thank you.